फिट आना शुरू हुआ तो हम लोग उसको अपने बाइक पे तो ला नहीं पाए, तो एक मोहल्ले का एक ठेला था उस पर लोड किए, और इमरजेंसी में उसके पापा को पहले मैंने भेज दिया कि आप जाके ऊर्जा वगैरह जो कटवाना है वो कटवा लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, बिहार में जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करते हैं, अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर छापेमारी करते हैं, कई तरह की योजनाओं का स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐलान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आती है। ताज़ा मामला बिहार के नवादा सदर अस्पताल का है, जहां डॉक्टर ने मरीज के पहुंचने से पहले ही उसे रेफर कर दिया। इतना ही नहीं, आलम यह रहा कि मरीज को ठेले पर लाया गया और वार्ड के अंदर मरीज को ठेले पर ही पहुंचाया गया। इसके जीती जागती सीधी तस्वीरें हम आपको नवादा के सदर अस्पताल से सबसे पहले दिखाएंगे, जहां देखिए किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टरों का क्या रवैया है और मरीज के परिजनों का क्या कुछ कहना है। मतलब उसकी सुबह से तबीयत खराब था, लेकिन आज शाम को सडनली 8 बजे के आसपास उसको फिट आना शुरू हुआ। ठीक है, तो फिट आना शुरू हुआ तो हम लोग उसको अपने बाइक पे तो ला नहीं पाए, तो एक मोहल्ले का एक ठेला था उस पर लोड किए, और इमरजेंसी में उसके पापा को पहले मैंने भेज दिया कि आप जाके ऊर्जा वगैरह जो कटवाना है वो कटवा लीजिए। बट यहाँ आने के बाद उनको बोला गया कि बिना देखे, मरीज अभी रास्ते में है, चौक पे था, तो उनके पापा को बोल दिया गया कि आप रेफर टू पावापुरी। तो जैसे हम लोग पहुँचे तो वापस पापा उनके बोले कि आप पावापुरी रेफ़र कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ लोग थे, गणमान्य लोग, उन्होंने बोला कि नहीं आप जाइए अंदर। फिर जब हम लोग पेशेंट को पूरा ठेला अंदर ले गए, इमरजेंसी में कोई वो स्ट्रेचर वगैरह कुछ नहीं था, तो खुद से हम लोग ले गए अंदर। और फिर वहाँ पे जब डॉक्टर को फिर से जाके बोलना पड़ा कि सर पेशेंट आ गया है आप देख लीजिए, फिर डॉक्टर आया, उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया, स्लाइन लगाया, उसके बाद स्टेबल नहीं हुआ कंडीशन मरीज का। तो अभी हम लोग मरीज पहले घर पर है। हाँ, डॉक्टर साहब बोल रहे कि पहले रेफर करो। अच्छा, यहाँ हम बोले कि ट्रीटमेंट पहले यहाँ कर लिए, नहीं पहले वहाँ पहले भेजो, हो गया पहले। हम डॉक्टर हैं, हड्डी का डॉक्टर है, हम इसके अंदर कुछ इलाज करते हैं, आप पूरी रेफर कर दीजिए। आप मरीज को देखे भी नहीं डॉक्टर साहब? नहीं देखे हैं। कहाँ से है? क्या बीमारी है? पहले से इसको झटका आता था, एक आध एक मिनट के लिए आता था, पटना मिलाई चलता था इसको, एक बैग यहाँ दिखाए थे, चार बजे दिखाए थे, आज शाम को आ गए थे, इसको बुखार हल्का था, तो इथ्रोमाइसिन गोली और एक पैरासीटामोल गोली लिखे थे, तो हम एक को खिलाए शाम को, कुछ रात एक घंटे के बाद, आधा घंटा के बाद इसको झटका नहीं आना सुना। एम्बुलेंस आप लोग ठेला से लेकर आ रहे थे, एम्बुलेंस वाले को फोन किए थे? एम्बुलेंस को फोन करते तो बार बार कहता है बिजी है। और इसलिए मजबूरी ठेला से लाए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? तो जैसा कि आपने देखा, सदर अस्पताल की यह हालत है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र को काफ़ी दुरुस्त किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है, टीमें लगाई गई हैं और अब सब कुछ पारदर्शिता के साथ बेहतर होता जा रहा है। तो वहीं इसके विपरीत बिल्कुल भी तस्वीर नवादा के सदर अस्पताल से देखने को मिली, जहां जब एम्बुलेंस नहीं मिल पाया तो मरीज को ठेले पर लाना मजबूरी हो गई उसके परिवार वालों की। और इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर वार्ड तक मरीज को ठेले पर ही पहुँचाया गया, क्योंकि वो चलने फिरने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। इतना ही नहीं, डॉक्टरों को जब ये पता चला तो बिना मरीज को देखे, उसकी जांच किए, उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा सदर अस्पताल की व्यवस्था पर, सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर। दरअसल प्रिंस की सुबह से ही तबीयत बेहद खराब थी, उसे बुखार लगा हुआ था और उसे मिर्गी की भी शिकायत थी। शाम में 4 बजे परिजनों ने उसे सदर अस्पताल लाया, उस समय चिकित्सक ने बुखार की दवा दी थी और घर भेज दिया था। रात में प्रिंस की तबीयत जब ज्यादा बिगड़ गई तब आनन फानन में उसके पिता अस्पताल पहुंच गए। बीमार बेटे को परिवार के अन्य सदस्य ठेले पर लेकर अस्पताल आ रहे थे, इसी बीच पिता ने पर्ची कटा ली और डॉक्टर के पास ले गए और बीमारी बताई। पिता का आरोप है कि बेटे का मर्ज सुनते ही डॉक्टर ने पर्ची पर रेफर लिख दिया। डॉक्टर का कहना था कि वे हड्डी के डॉक्टर है, इसीलिए इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं। परिजनों का यह भी आरोप है कि 102 एम्बुलेंस की सेवा के लिए संपर्क करते करते वो थक गए, जब भी नंबर डायल किया तो बिजी ही बताता रहा।
नतीजा ये रहा कि मरीज को पड़ोसी के ठेले पर सदर अस्पताल लेकर वो पहुंचे। अब विम्स रेफर किए जाने के बाद 102 डायल करने पर भी बिजी बता रहा था। ऐसे में निजी एम्बुलेंस से पावापुरी उसे ले जाया गया। आलम यह रहा कि 102 नंबर डायल करने पर एम्बुलेंस का ये नंबर बिजी ही बता रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद आनन फानन की स्थिति में पड़ोस से ठेला मांगा गया और उसी पर अपने बेटे को एक पिता सदर अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन यहां भी मरीज को बिना देखे ही दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। थक हार कर परिवार वालों ने निजी एम्बुलेंस से अपने बेटे को दूसरे जगह लेकर गए जहां उसका इलाज हो सके। तो ये बिहार में एक बार फिर से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई, जिसकी जीती जागती तस्वीर नवादा से देखने को मिली, जहां डॉक्टरों का ये रवैया रहा और मरीज की बेबसी इतनी थी, उसके परिवार वालों की मजबूरी इतनी थी कि उसे ठेले पर अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस का नंबर काम नहीं कर रहा था। अब देखना यह है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है, तेजस्वी यादव के इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, नमस्कार।